हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरोज। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज के किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन करी की रेसिपी। आपने चिकन करी तो बहुत तरीके से बनाए होंगे, आप एक बार इस मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। मैं अपने घर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा घर में ऐसे ही बनाती हूँ और सबको घर में बहुत ही पसंद आता है और सब बहुत ही मन से खाते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने पहले से ही धो करके साफ़ कर लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मसाला आप अपने चिकन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 500 ग्राम लिया है तो मैंने मसाला का थोड़ा कम इस्तेमाल किया। अगर आपके चिकन ज़्यादा हैं तो मसाले की क्वांटिटी बढ़ा लें। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से मसालों के साथ मिला दिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर हमारा 15 मिनट हो चुका है। जब तक हम इसे ग्रेवी बनाएंगे आधा घंटा मटन को हो जाएगा रेस्ट पर। तो चलिए रेसिपी आगे की शुरू करते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई रखा है, इसमें डाल दिया है 2-3 चम्मच बड़ा साबुत धनिया, काली मिर्च और जीरा। सारे मसालों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे जब तक कि मसालों का एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसे लो फ्लेम पे भूनें, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं या मीडियम फ्लेम पे नहीं। ये बार मसालों को भून लिया और ठंडा करके इसका हम ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक ना पीसें, इसे थोड़ा सा ही मोटा पीसेंगे। जिससे कि आप देख रहे हैं मैंने कैसे पीसा है, इसी तरह का मसाला तैयार है। चलिए आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। वही कढ़ाई मैंने गैस पर रखा है, उसमें डाल दिया है मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आप अपनी पसंद का तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अगर आपने सरसों का तेल लिया है तो तेल को अच्छे से गर्म कर ले जब तक तेल में से धुआं ना आ जाए। उसके लिए लिया है मैंने जीरा और इस जावित्री, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल, 2 छोटी इलायची, 2-3 तेज़पत्ता और 3-4 हरी मिर्च मैंने चीरा लगा के ले लिया है। अब सारे मसालों को हम डाल देंगे अपने गर्म तेल में, थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे जिससे हमारे सारे मसाले हैं जो अच्छे से भून जाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जीरा जो है अच्छे से चटक चुका है। यहीं पर डाल देंगे हम प्याज। प्याज को मैंने पहले ही लंबे स्लाइसेस में काट के ले लिया है, आप चाहें तो बारीक भी काट के ले सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने लंबे स्लाइसेस में कट किया है। प्याज को सॉफ्ट होने तक अच्छे से हम पकाएंगे। तो देखिए हमारा प्याज जो है यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहीं पर ऐड कर देंगे हम 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो अदरक का कच्चापन है निकल जाए, अदरक और लहसुन का। इसे आप लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक भून लें। हमारे यहाँ से 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि मैंने लिया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। यहीं पे मैं डालूँगी अपना मसाला जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, जो मैंने भून के पीसा था वो वाला मसाला। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। यहीं पर डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और टमाटर का पेस्ट। गरम मसाला मैं बहुत कम इस्तेमाल करी क्योंकि मैंने खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से ले लें। अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि सारे मसाले अच्छे से भून ना जाए। यह मैंने डाला है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, ध्यान रहे हमने चिकन को मैरिनेट करते समय भी नमक डाला है तो आप उस हिसाब से नमक ऐड करें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भून ना जाए। तब देख सकते हैं हमारा मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। यहीं पर हम ऐड करेंगे अब अपना चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। अब चिकन को अच्छे से हम मिलाएंगे अपने सारे मसालों के साथ। अभी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे इसको अच्छे से हम
पकाएंगे अपने मसालों के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो पानी है चिकन छोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बिना पानी डाले से 3 से 4 मिनट पका लिया, आप देख सकते हैं। 2-3 मिनट मैंने इसे अच्छे से भुना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। यहीं पर ऐड करेंगे हम पानी। पानी अपनी ग्रेवी के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी मोटी ग्रेवी बनाऊंगी तो मैं कम पानी इस्तेमाल करूंगी। अगर आपको पतली ग्रेवी बनाना है, चावल के साथ खाना है, तो ग्रेवी थोड़ी पतली कर सकते हैं, पानी ज़्यादा ऐड कर दें अपने हिसाब से। अभी इसे ढक करके हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बीच बीच में ढक्कन हटाकर आप चलाते रहें। मैंने 10 मिनट के बाद इसको चलाया है लो टू मीडियम फ्लेम पे, पकाया है हमने, जिसको आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे फिर ढककर पकाऊंगी 8 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मेरा 8 से 10 मिनट हो चुका है। देखिए हमारा चिकन का जो है कलर है कितना अच्छा आ चुका है, और ग्रेवी जो है हमारी परफेक्ट है, मैंने अपने हिसाब से रखा है। तो मैं गैस को बंद कर दूंगी। अगर आपके पास बारीक कटा हुआ हरा धनिया है तो यहीं पर ऐड कर दें, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया है, अगर है तब ज़रूर ऐड करें। अभी से हम सर्व करेंगे। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना तो बहुत ही आसान है, जिसका आपने देखा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर में आपके सबको बहुत ही पसंद आएगी। मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आती है रेसिपी। मैं और तरीके की चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप एक बार इस वीडियो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।